क्या होगा इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या होगा वो फॉलो करेंगे। तो अभी पहले इनको इंस्ट्रक्शन दिया हो
बस कोई चीज अगर हम करते हैं हम काफी वाला उसको फॉलो करते हैं, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड कहलाएंगे क्या? हमारा काम है उसी वक्त हमको उसको रोकना है, इसके लिए मुझे दाएं देखना है, उसके लिए मुझे बाएं देखना है। अगर मैं आगे जाऊंगा तो उसे रोक पाऊंगा, अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो उसको मैं रोक पाऊंगा क्या? उसको रोक पाऊंगा नहीं, रोक पाऊंगा हराल की नहीं। मुझे तब तक इशारा करना है जब तक वो फॉलो नहीं करता, बराबर है? जब तक मैं इशारा नहीं करता हूँ तब तक वो क्या होगा? वो फॉलो नहीं करेगा, वो जाएगा नहीं। समझ गए? ये सब चीजें है लीगल आई की तरफ सीखने की वजह से मैं देखूंगा, तो देखने के बाद मुझे एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है? एक्शन लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? C for courageous, क्या है courageous का मतलब? आड़स करना। अभी मेरे पास आड़स है, मेरी आवाज पहुंचती है आपके कानों पे? यस सर, पहुंचती है। आपकी आवाज पहुंचती है मेरे कानों पे? नहीं पहुंचती ना, जितनी मेरी आवाज होती आप आवाज निकाल सकते हो? यस सर, ये आवाज निकालना है, इसलिए निकालना है ताकि सामने वाले को सुनाई दे और समझ जाए, सामने वाले को सुनाई दे और समझ जाए। तो मेरी जो पावर है सामने वाले को इशारा करती है और वो सामने वाला आवाज के ऊपर फॉलो करेगा। आवाज के ऊपर, अगर आपके पास आवाज नहीं है, ये आवाज मेरी उनके कानों में भी नहीं पहुंचती है और मैं बोलने के बावजूद भी फॉलो नहीं कर पाऊंगा, सामने वाले को इशारा फॉलो होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से मुझे बोलना चाहिए था, जिस तरीके से मुझे बात करनी चाहिए थी, वो मैंने किया नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ? मेरा काम है, मैंने उनको देखा, मैंने उनको पहले से इशारा किया तो वहां से बड़ा अभी यहाँ पे तक आएंगे आने के बाद उनका ट्रैक चारों तरफ घूमना चाहिए। जैसे हमें देखना है कि मुझे फॉलो ये इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं उसी तरह मुझे उनको करना, उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अरे यस, आड़स आड़स मैं करूंगा, मैं बोलना चाहूंगा तो ही बोलूंगा, अगर नहीं चाहूंगा तो नहीं बोलूंगा। बोलना मुझे आना चाहिए, अगर मैं शुरुआत से अगर नहीं बोल पा रहा हूँ तो मुझे शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में परेशानी होगी या अपने को लगेगा कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी जबान में वो शब्द नहीं आ रहे बराबर, मगर हमको बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो लोग फॉलो करेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? आओ जाओ घर पर। तो ये बोला देते, हमने वर्दी पहनी है एक सुरक्षा रक्षक की, इसलिए पहनी है, एक पुलिस भी अपनी वर्दी पहनता है, मगर पुलिस कब कब आता है और क्राइम के सुरक्षा रक्षक का काम है और क्राइम को रोकने के लिए भी मगर जब हमको क्या करना है? क्राइम को रोकना रहता है, बराबर। हम लोग ने पहले ही रोक दिया,
अगर वो रॉन्ग वे से आ रहे हैं, हम लोगों ने इशारा किया हमें चलो ट्रैफिक के यहाँ पे ऐसे रुकी है मेरी, मैं इशारा करूंगा, मेरा काम है गाड़ी आ रही है कि जा रही है, बराबर है, हम लोग इशारा करेंगे आपको यहाँ से जाना है तो आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, बराबर, हम लोग इशारा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कहीं से भी जाएंगे, समझ गए आप लोग, समझ रहे हो ना, आपको मैं आगे इशारा करता हूँ तो आप आपको देखना है और करेंगे आड़स आड़स करेंगे तो हम बातचीत कर पाएंगे, समझ, उसी आपको झिझकना नहीं चाहिए, समझ गए, और उसके बाद में क्या आएगा सी, उसके बाद में यू फॉर यूनिफॉर्म, हमेशा आपको यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए यूनिफॉर्म में, वर्दी वर्दी आप लोग किसने पहनते हैं, वर्दी आप लोग किसने पहनते हैं, हाँ वर्दी आप लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब आपको कोई अगर सवाल सवाल जवाब करेंगे तो आप बोल हो तो आप लोग का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हमेशा आईडी कार्ड सामने वाले को दिखाई दे, ऐसे होना चाहिए, समझिए आप लोग, समझ रहे हो ना आप लोग, ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे इसी तरह रखोगे सामने वाले के ऊपर लिमिट अपना अच्छा बढ़ेगा, समझ गए, बात करने का ढंग, खड़े रहने का ढंग, समझिए, चालाक नजर, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ देखना, कभी भी हम लोग यहाँ देखते तो यही पे देखते रहते, कभी भी हमको पीछे मुड़ के भी देखना होता है, ये सब चीजें हमारा माना जहाँ पे पोर्ट है वहां पे होना चाहिए, समझ गए, उसके बाद में युग के बाद में क्या है, कौन सा अल्फाबेट, आर आर फॉर ग्लोबल, सिक्योरिटी गार्ड को कैसा होना चाहिए, मजबूत, हमेशा दो कदम आगे दो कदम, हमेशा दो कदम आगे दो कदम पीछे दो कदम दाएं दो कदम बाएं, ये इस तरह से आपको चलना चाहिए, बहुत मजबूत की तरह आपको कहा कितनी घंटा ड्यूटी करनी है, 12 घंटा ड्यूटी करनी है, चाला की तरह से हम लोग को यहाँ वहाँ सब जगह पे देखने के लिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखता हूँ यहाँ पे ऐसे ही चला रहता हूँ क्या होगा, मैं सामने मैं यहाँ पे देखूंगा थोड़ा और जरा ज्यादा दिखना, थोड़ा यहाँ पे आऊंगा यहाँ पे दिखेगा आगे जाऊंगा थोड़ा आगे, होना चाहिए होना चाहिए इसलिए होना चाहिए कि हम लोग पहले से ही इतना नजर से देख रहे हैं, और अगर गलत दिखाई देता है तो हम उसको रोक सकते रोक सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग उसी वक्त हम लोग रोक सकते हैं, तो हम लोग नजर से देख वाले रोबस्ट मजबूत मजबूत की तरह ड्यूटी करेंगे, यही क्या कभी बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, नहीं बैठने की वजह से क्या होता है
हम लोग आराम आराम कर सकते बैठने के हम लोग नहीं बैठेंगे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बैठने के लोग क्या करेंगे, बैठने के तो भी हमारे घर का चारों तरफ घूमती रहना चाहिए। जो अरेंज करने के हम लोग कभी कभी बैठ जाते 12 घंटा तो एक कदम पे एक घंटे के कदम पे हम लोग खड़े नहीं रहना चाहिए। 4 कदम चलेंगे 4 कदम आगे जाएंगे आगे हो जाएंगे क्या होगा मूवमेंट मूवमेंट होने के बाद हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक जगह पे बैठे रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा सिक्योरिटी गार्ड को मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए। अगर कोई पे आग लगी है बराबर हम लोग क्या करेंगे दौड़ेंगे ना रॉबस मजबूत की तरह ड्यूटी हमको करना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ यानी जान की रक्षा करते प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं तो हमको कैसे रहना चप्पल मजबूत की तरफ अगर आप लोग ड्यूटी करोगे तो एक अच्छा ओलिंग सिक्योरिटी गार्ड आप बन पाओगे एक अच्छा सुपरवाइजर आप बन पाओगे समझिए। आज के बाद क्या है आईफोन इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड को कैसा होना चाहिए इंटेलिजेंट दिमाग दिमाग हर एक के पास दिमाग दिमाग अकल बड़ी की भैंस बड़ा बोलते हैं ना क्या बोलते हैं अकल बड़ी की भैंस बड़ा। चलो भाई बड़ा आदमी आ गया आपसे आप क्या करोगे दिमाग यूज करोगे कि नहीं पहले आपको आप क्या करोगे उसके लिए किसी को रिस्पेक्ट करोगे ना सामने आ गया आ जाता है तो हमको उसके सामने आग पीछे नहीं करना है। आप क्या करोगे आज से आप निकालोगे बहुत सर ये आवाज निकालोगे ये आवाज जब निकालोगे तो सामने वाला क्या करेगा सामने वाला देखेगा कि आपके पास कितनी पावर है आपके पावर के अनुसार वो दिखाई देगा एक तो डराएगा नहीं तो खुद डरेगा नहीं तो ये सिक्योरिटी गार्ड क्या है ये सिक्योरिटी गार्ड कैसा ये सिक्योरिटी गार्ड डर चलेगा आपको समझ गए ये आपकी आवाज आपको एक दिमाग से काम करवा मेरी पहली आवाज उनके कानों में पहुंचनी चाहिए क्या होगा मेरी आवाज उनके कानों में पहले पहुंचनी चाहिए तब जाके वो पता चलेगा कि मुझे गलत कोई काम नहीं करना है। सामने खड़ा हो बराबर सामने जो आता है वन सर आवाज उनके पास पहुंचेगी तो वो सामने वाला भी हो जाएगा आपको रिस्पेक्ट देगा भाई देखना बोलो लेकिन आवाज के ऊपर डिपेंड है डिपेंड अपॉन आवाज पहुंचनी चाहिए किसी को इशारा करना है तो आवाज दिखाना है कि अभी एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हाई अलर्ट है समझिए दिमाग से काम करो कोई अगर झगड़ा ये पंगा वगैरह नहीं करना है 2 सेकंड में खत्म करो हाँ इसीलिए दिमाग से काम करो। ये मैं अभी देखो मैं बोलते समय काम कर रहा हूँ काम हो रहा है अगर हम लोग करते नहीं है मगर हम लोग करेंगे तो होगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये सब चीजें हमारे पास है मगर हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे हमारे ड्यूटी पीरियड में तो क्या होगा एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा क्या करूंगा एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा जो मेरे इशारे के ऊपर सामने फॉलो करेगा समझिए क्या करेगा वो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा मेरी नजर चाहिए अगर मेरी नजर नहीं जाती तो क्या होगा तो मेरी नजर इतनी चौकसी होनी चाहिए कि एक भी आदमी को अपने रास्ते से जाने नहीं दूंगा उसके ऊपर डिपेंड है लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा इशारा कोई सुनता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हार मानना चाहिए दिमाग से काम करो हमारा कहां पे गलती होती है उसको सुधारो
मगर ये करोगे तो एक रुबाबदार बोलते ना, एक रुबाबदार सिक्योरिटी गार्ड के लाओ, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ फर्क पड़ना चाहिए। ऐसे हम लोग सर।
करके क्या होता है मोमेंट का बोलते हैं क्या होते हैं
ऐसे होता है जब हम लोग आराम करेंगे, आराम करने की कोई मोमेंट नहीं रहता उस वक्त नींद आती है, और हम लोग क्या गलत काम करते हैं, नींद आती है मतलब क्या होता है, गलत काम होगा, काम हो जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं, उसके लिए मुझे हमेशा क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, आए बाए आगे पीछे क्या होता है, घूमो और देखो, जब भी बैठूंगा तो ये सब फील कीजिए, मेरे पास मजबूती की चाहिए, रोबस्ट ऐसी सी दिल के बाद इनकम के बाद रोबस्ट हमेशा ऐसा बस की तरह मजबूत की तरह हम लोग क्या करेंगे एमपी करेंगे, हाँ अगर सोने की कोशिश करेंगे तो सो जाएंगे, जब हम काफी रहेंगे, जब हम आराम करने की कोशिश करेंगे, आराम हमको करना नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक हमारी बात कंपनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमको रखा गया है कंपनी की तरफ से, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, जब आग लगी है जल जाते हैं सब, ये सब चीज़ें बहुत सारा नुकसान होता है हमारी, अगर हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का हम लोग ध्यान देते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहेंगे तो हम लोग ये काम कर पाएंगे, रोबस्ट की तरह मजबूत की तरह हम लोग ड्यूटी करेंगे, बराबर। उसके बाद में क्या है, आई आई कॉल को कैसा रहना चाहिए, इंटेलिजेंट दिमाग से काम करो, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा वक्त से पहले आना चाहिए, वक्त से पहले आने के लिए हमको क्या करना चाहिए, दिमाग है मेरे पास मैं क्या करूँगा, ट्रैफिक है बाधा बनाऊंगा, ट्रैफिक हुआ ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए दिमाग से काम करो, आधा घंटा पौना घंटा जल्दी निकलो और वक्त पे अपने पहुँचो, हमेशा क्या होता है वो आपको बताना चाहिए, सब चीज़ें हमारा क्या असर चाहता है, दिमाग हमारा दिमाग काम कर पाएंगे, हमारे दिमाग से सॉल्व नहीं होता तो हम काम हो जाएंगे, बोलेंगे हमारे पास वो हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि ये सर सर ऐसा सच हुआ, तो हम इन्फॉर्म करने में क्या होता है, इसीलिए दिमाग से काम किया, मैंने चीज़ें जो मेरे से नहीं बन पाई वो मैंने सुपरवाइजर के कान पे डाले और काम हो गया, हर वक्त दिमाग से काम करो, दिमाग से काम करो, करेंट हड़स के साथ काम करो, ये सब चीजें इसे क्या होगा, हेलो एक अच्छा सुरक्षा रक्षक, उसके बाद में की फॉर ट्रेन सुरक्षा रक्षक हमेशा ट्रेंड रहना चाहिए, और तब दिया जाता है जब वो और सुरक्षा वो आई पी सी के ट्रेनिंग में 8 घंटा और ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाके वो उसको एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड कहलाएंगे, हम हमें अभी तक वर्दी के लिए कोई काम बोल रहे थे, हम उसके बाद आ गए और हमको वर्दी देने के बाद समझिए, तो ये सब चीज़ें होती है, तो हमको अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन को हम लोग का कपड़ा देंगे, इन्फॉर्म देंगे, वर्दी देंगे और बताएंगे जाओ वहाँ पे जाके ड्यूटी करो, हम लोग करते हैं, अगर ध्यान हमको लेना चाहिए, सुरक्षा रक्षक ट्रेन रहना चाहिए, तो ट्रेनिंग के लिए ब्रीफिंग के लिए 15 से 1/2 घंटा पौना घंटा जल्दी आके ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, सीखना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी से पहले जल्दी आता है कि नहीं, सीखना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड को हैंड ओवर देगा, यहाँ पे इस तरह से घटना हुई, यहाँ पे ये काम हुआ, दिन वाला दिन के ड्यूटी के बारे में बताएगा, नाइट वाला और दिन वाला एक दूसरे को बता देगा, हमको हमेशा करना चाहिए, लेना चाहिए, लेन देन हमें होना चाहिए, इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड सब ऐसा नहीं कि
गलत चलती है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग ने वहाँ पे जाके ड्यूटी किया, हम लोग बैठे रहे, ये किया वो किया। वाई लास्ट ऑप्शन क्या है, वाई है सिक्योरिटी, वाई फॉर यूथफुल होना चाहिए। हम क्या करेंगे, मैं हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है। अभी देखो ये परिसर में सब साफ बने, लेकिन वापस गंदा हो जाता है। हम लोग की कोई ना कोई फिक्र है, हम लोग बोलते हैं अगर हम लोग बोलेंगे तो जगह सोचेंगे तो करेंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कोई सामान नहीं जा रहा है, पेट पास किया है कि नहीं, हम सोचेंगे सोचेंगे तो आओ जाओ घर तुम्हारा उसी तरह, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, हम लोग पूछते नहीं है। हम लोग उस तरह से चोरी करके चला जाएगा और कुछ काम करके चला जाएगा, फिर बाद में हमको करना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड एक प्रिंसिपल एम्प्लॉय यानी एक जगह का मालिक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उनसे वो क्या करते हैं हमारी सुरक्षा जगह की सुरक्षा करने के लिए हिफाजत करने के लिए जगह में सब कुछ अच्छी घटने घटने के लिए सुरक्षा एजेंसी को बुलाया जाता है। बोले सिक्योरिटी को एक 16 माल की रक्षा करने के लिए सब विफाल माल ज्ञान की रक्षा करने के लिए और सब लोग आते हैं और जाते हैं उनका सम्मान ये जगह की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए हमको न्योता दिया गया है। वो उनसे और हमसे और कंपनी के मालिक से रिश्ता बराबर बनाए रखना चाहिए। ये तीन ट्राइंगल है, तीनों एजेंसी आपकी एजेंसी ने आपको काम दिया है, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, जिसकी जगह पे काम करते हैं करना, मालिक की जगह की रक्षा करना, ज्ञान की रक्षा करना सब लोगों की और सबका सम्मान बराबर करना हमारा कर्तव्य। हमको पेमेंट मिलता है उसी का पेमेंट मिलता है बिना काम के, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, जो अच्छे काम है वो करना। ये हो गया सिक्योरिटी के बारे में, फिर बात करते हैं फायर के बारे में होता है, जब आग लगती है तो क्या होता है, कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है और कहीं पर भी फेंक देता है, तो ऐसे चीज़ें को बचाने के लिए सर स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे ये करके क्या बोलते बिस्किट कोई खा दिया, कोई खा गया चॉकलेट खा दिया ये सब चीजों को क्या करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्यूल हुआ जो सप्लाई आ रहे हैं और हीट फिर न्यूट्रल हो गया और
मतलब हिट का मतलब सपना है, पावर का।